भाई महज 19 गेंदों में ही पूरा मैच जीत लिया। जी हाँ, सही सुना आपने, इंग्लैंड की टीम ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसने ना सिर्फ वापस उसकी उम्मीदों को विश्व कप में लौटा दिया है, बल्कि सुपर 8 की रेस में भी अब उसे बहुत आगे जाकर के खड़ा कर दिया है। उस इंग्लैंड को जिसको कि अभी सिनेरियो ऐसा बन गया था कि वो विश्व कप से बाहर मानी जा रही थी। भाई जब से इंग्लैंड वालों का पहला मैच बारिश की वजह से धुला और स्कॉटलैंड के साथ उन्हें एक एक अंक बांटना पड़ा, तब से इंग्लैंड पर खतरा मंडरा रहा था। उसके बाद स्कॉटलैंड वालों ने भी मौके पर चौका मार दिया और लगातार 2 जीत हासिल कर ली, और इन 2 जीतों के साथ उसके अंक हो गए थे 5 और नेट रन रेट उनका हो गया था काफी अच्छा। इंग्लैंड वालों पर दोहरी मार तब पड़ी जब वो अपने दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गए। इस मैच में हार के साथ ही इंग्लैंड वालों का नेट रन रेट पहुंच गया था माइनस में, और इस तरह से इंग्लैंड वालों पर स्पष्ट रूप से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था। लगभग बाहर ही हो चुकी थी क्योंकि स्कॉटलैंड का नेट रन रेट काफी अच्छा था। अब इंग्लैंड वालों को अपने बाकी 2 मैच जीतने पर भी कुल 4 अंक ही मिलने थे, यानी इंग्लैंड वालों की 5 अंक हो पाती और स्कॉटलैंड के 5 अंक ऑलरेडी हो चुके थे। यहां पर समझ में आ रहा था कि इंग्लैंड वाले बाहर हो सकते हैं अगर वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए। इंग्लैंड वालों ने सिर्फ एक ही मैच में, जी हां, अपने तीसरे ही मैच में ओमान के खिलाफ इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली कि उन्होंने न सिर्फ 2 अंक अर्जित किए बल्कि अपना नेट रन रेट भी स्कॉटलैंड से काफी अच्छा कर लिया है। यानी कि अब इंग्लैंड वाले सुपर 8 पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इस मैच की बात करें तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम इंग्लिश गेंदबाजों के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आई। पहले तो शुरुआती ओवरों में जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की धारदार गेंदबाजी की वजह से सिर्फ पावर प्ले ओवर में ही 4 विकेट ओमान के गिर गए। जहां आदिल रशीद ने 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर के 4 विकेट लिए, वहीं पर मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने भी 12-12 रन देकर के 3-3 विकेट बांट लिए। इस तरह से कुल 3 गेंदबाजों ने ही पूरे के पूरे 10 विकेट ओमान के ले लिए और इस तरह से पूरी ओमान की टीम सिर्फ 47 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लिश बल्लेबाजों को पता था कि महज 48 रनों की चुनौती को वो आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन यहां सवाल जीत का नहीं था बल्कि नेट रन रेट का भी था, और यहीं पर इंग्लिश बल्लेबाज एकदम से बरस पड़े ओमानी गेंदबाजों पर। जहां इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने महज 8 गेंदों में नाबाद 24 रन ठोक डाले, तो इससे पहले फिल सॉल्ट ने भी महज 3 गेंदों में 12 रन बना करके आउट हुए। इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो भी 2 गेंदों में नाबाद 8 रन बना करके वापस लौटे, और इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंग्लिश बल्लेबाजों ने ना सिर्फ मैच आसानी से जीत लिया बल्कि अपना नेट रन रेट भी सुधार लिया है। बात करें इस लो स्कोर तो यहां पर ओमान की टीम हालांकि विश्व कप के सबसे लो स्कोर को करने से तो बच गई, लेकिन एक उसका खुद का सबसे लो स्कोर जरूर है। अगर विश्व कप में सबसे लो स्कोर की बात करें तो इसी विश्व कप में बना है 39 रनों का, जो कि युगांडा की टीम ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंग्लैंड वर्सेज ओमान के इस मैच के बाद अगर हम पॉइंट तालिका पर नजर डालें तो यहां ऑस्ट्रेलिया अब भी टॉप पर बैठा है 3 मैच में 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ। स्कॉटलैंड अब भी नंबर 2 पर है जिसने कि 3 मैचों में 2 मैच जीते हैं और 5 अंकों के साथ 2.164 के नेट रन रेट के साथ, जबकि इंग्लिश टीम नंबर 3 पर आ चुकी है 3 मैच में 1 मैच जीत करके और 1 हार करके। यहाँ इंग्लिश टीम के अभी 3 अंक है और उसका नेट रन रेट अब 3.081 हो चुका है। चौथे नंबर पर नामीबिया जिसने 3 मैचों में 1 मैच जीता, जबकि ओमान अपने 4 मैच हार चुका है, नंबर 5 पर है। यहाँ अगर हम सुपर 8 की लड़ाई की बात करें तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में अब सीधा मुकाबला हो चुका है। स्कॉटलैंड हालांकि कमजोर स्थिति में है क्योंकि उसका नेट रन रेट अब इंग्लैंड से कम है, जबकि उसे अपना 4th मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। अगर ये मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो स्कॉटलैंड सीधा सुपर 8 में पहुंच जाएगा क्योंकि उसके 6 अंक हो जाएंगे, इंग्लैंड की टीम 6 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर स्कॉटलैंड हारता है तो उस पर खतरा मंडरा सकता है। इंग्लिश बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम के पास भी अब सिर्फ एक ही मैच बचा है, हालांकि वो उसका कमजोर मैच है जिसे आसानी से जीतकर वह सुपर 8 का टिकट कटा सकता है क्योंकि उसका नेट रन रेट स्कॉटलैंड से ज्यादा हो चुका है। यहां यह इंग्लैंड की टीम को अब दुआ करनी होगी कि उसका अब कोई मैच बारिश से रद्द ना हो। कुल मिलाकर के सिनेरियो अब एक ही, अब अगर बारिश की वजह से कोई खलल नहीं आता है तो ग्रुप बी में इंग्लैंड के लिए पूरी तरह से सुपर 8 के दरवाजे खुल चुके हैं, स्कॉटलैंड पर खतरा मंडरा रहा है। तो आप लोगों का क्या विचार है, क्या इंग्लैंड की टीम पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन इस बार सुपर 8 में पहुंचकर अपने विश्व विजय के अभियान को फिर से पटरी पर ला सकेगी? आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।